राजस्थान के तमाम जो संविदा कर्मी है उनको सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्थायी करेंगे, और वो हमने स्पष्ट तौर पे उन लोगों की मदद की, सरकार में लाने में भूमिका निभाई। लेकिन सरकार ने फिर एक दोगला व्यवहार किया है, जो विद्यार्थी मित्र इनकी पूर्व की सेवा उसको खत्म कर दिया, विद्यार्थी मित्र के अनुभव को नहीं जोड़ रहे, जबकि किसी ने अगर विद्यालयों में पढ़ाया है तो उनके अनुभव को जोड़ना चाहिए, वाजिब मांगे। और सरकार सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया, 50 शिक्षक विद्यालय सहायक को स्थायी कर दिया, 50 सहायक को कर दिया, विद्यार्थी मित्रों को कर दिया, जबकि अगर कर दिया होता तो आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ क्यों आते। तो कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है, एक तरह का काला कानून हमारे ऊपर थोपा है, संविदा सेवा नियम 2022 जो एक कुएं से उठाकर बावड़ी में डालने का काम किया है। इसलिए आज ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, लगातार हमने सैकड़ों आंदोलन इस सरकार में किए हैं, और जब तक हमारा स्थायीकरण नहीं होगा हम किसी भी सूरत में जयपुर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमको मुख्यमंत्री निवास का कूच करना पड़े, चाहे और आगे की जो रूपरेखा हम इतने सीक्रेट और गोपनीय रूपरेखा है, हम 2:30 बजे मुख्यमंत्री निवास का कूच करते हैं। लेकिन जो भारी फोर्स लगाई है एक सूचना पर, तो हम अब रणनीति में कुछ बदलाव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आप तक मीडिया के माध्यम से वक्त आने पर तुरंत प्रभाव से आपको बता दी जाएगी। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सेक्शन। हमारी मेन मांग यही है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। ये संविदा का जो हमारे पर दाग या एक काला धग्गा है उसको हटाया जाए और नियमित किया जाए। अब हमारा भी परिवार बड़ा है, ज़रूरतें सबकी बढ़ती है, तो उस हिसाब से हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सबको, बस एक ही है, सबको नियमित किया जाए। एक ट्रेंड अनट्रेंड का जो चल रहा है उसमें कुछ नहीं है, चाहे ट्रेंड हो चाहे अनट्रेंड हो, सब परमानेंट होने चाहिए, सबको नियमित किया जाए, बस यही हमारी मेन मांग है। मैं राजस्थान सरकार को पूरी चेतावनी दे देना चाहता हूँ। आज हमने जब शहीद स्मारक से यहाँ से सीएमआर कूच करने का प्रयास किया, राजस्थान सरकार की थ्री लेयर जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने हमें जो रोकने का डिटेन करने का प्रयास किया, मैं राजस्थान सरकार को कह देना चाहता हूँ, यदि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों का यदि स्थायीकरण नहीं किया तो निश्चित रूप से जो ये लड़ाई जो चल रही है ये आर पार की लड़ाई होगी, निर्णायक लड़ाई होगी, और राजस्थान सरकार इन पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के आंदोलन से लड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब हमें आश्वासन नहीं, अब हमें हमारा हक स्थायीकरण चाहिए। देखिए सर, राजस्थान की सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार जो सत्तासीन होगी तो हम जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे शिक्षा विभाग से हो, चाहे पंचायती राज के हो, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करेंगे। लेकिन सरकार के 5 साल पूर्ण होने के बाद में मैं शिक्षा विभाग से बिलोंग करता हूँ और शिक्षा विभाग बात करूँगा, पंचायत सहायक विद्यार्थी विद्यालय सहायकों का, 5 साल पूर्ण होने के बाद में राजस्थान की सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने राहुल गांधी जी की यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के तहत कहा था कि हमने 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायी किया है, लेकिन हम इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपने हमारा स्थायीकरण किया होता तो आज इस शहीद स्मारक पर ये संविदा कर्मी क्यों अपनी मांग को लेकर तड़पड़ा रहा है। इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप हमारी पीड़ा को सुने, हमारा पूर्व अनुभव की गणना करते हुए हमें नियमित करें ताकि आपकी सरकार पुनः बन सके। हम नियमितकरण की मांग को लेकर यहाँ पर आज धरना दे रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आते ही हम आप लोगों को नियमित करेंगे, लेकिन सरकार का अब 1 महीने का समय बचा है और फिर भी हमारी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है और हमारे को नियमित नहीं करती है तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि एक पंचायत सहायक या विद्यालय सहायक या एक ही संविदा कर्मचारी कम से कम 50 से 60 वोटों को प्रभावित करता है। इस प्रकार से कुल मिला करके 50-60 लाख वोट प्रभावित होते हैं, इसलिए 50-60 लाख जो वोट हैं वो राज्य सरकार को बदलने में काफ़ी है। या तो सरकार हमें नियमित करे नहीं तो हम सरकार को बदल देंगे।